हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B24 नॉलेज। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं आप लर्नर लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ही अपने फोन या अपने लैपटॉप से। लर्नर लाइसेंस बनने के बाद 6 मंथ के अंदर ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। मैं इस वीडियो में लर्नर लाइसेंस बनाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस पेज पे आ जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहां सब क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे देखिए, कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इस तरह का पॉपअप देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसको स्किप कर देना है। स्किप करने बाद देखिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यदि आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको RTO नहीं जाना पड़ेगा। यदि आप सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको RTO जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा। आपको घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको पहला वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे आधार नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप कर देना है और फिर आपको जनरेट OTP भी आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। OTP को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। OTP इंटर करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको ऑथेंटिकेट पे आपको क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका RTO का लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको इसको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ बर्थ आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। मैंडेटरी नहीं है, यदि हो तो सिलेक्ट करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको। फिर आपको क्वालिफिकेशन अपना सिलेक्ट कर देना है, 8वीं पास है कि 10+2 है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपको देना है, दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। आपके शरीर पे जो भी मार्क है आपको यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आप विलेज है कि टाउन से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है। विलेज सेलेक्ट करने के बाद आप इस पते पे कब से रह रहे हैं आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। कितने मंथ से रह रहे हैं आपको यहाँ पे मंथ टाइप कर लेना है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है किस तरह का आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। यदि आप मोटरसाइकिल विद गियर सिलेक्ट करेंगे तो आपको 2-व्हीलर का लाइसेंस बनेगा। यदि आप लाइट मोटर व्हीकल आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका 4-व्हीलर का लाइसेंस बनेगा। यदि आप दोनों बनवाना चाहते हैं तो आपको मोटरसाइकिल विद गियर ये भी सिलेक्ट कर लेना है और लाइट मोटर व्हीकल आपको ये भी सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके इस आइकन पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स में फिलअप हो जाएगा। फिर आपको लाइट मोटर व्हीकल यानी कि 4-व्हीलर का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आपको इस आइकन पे क्लिक कर लेना है। यदि आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लिया हुआ तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आपको फिलअप कर लेना है। फिजिकल फिटनेस के हिसाब से आपको यस या नो करना है। चलिए मैं यस या नो करके दिखा देता हूँ। आपको अच्छे से इसको रीड कर लेना है। यस या नो सिलेक्ट करने के बाद आपको इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद से लिखा हुआ आर यू श्योर, इस वाले ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको बैक वाले ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इन केस यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है कि आप अपनी बॉडी अपना बॉडी पार्ट डिनोट करना चाहते हैं, यस या नो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको देखने को मिल जाएगा आर यू श्योर,
फिर आपको ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको ओके वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, आपका नाम देखने को मिल जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा, सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको दोनों फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है, इस पे क्लिक करेंगे इसको प्रिंट कर लेना है या इसको पीडीएफ फाइल में भी सेव कर सकते हैं। फिर आपको ये भी प्रिंट कर लेना है, प्रिंट कर सकते हैं या इसको पीडीएफ फाइल में भी सेव कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपका ऑलरेडी फिलअप देखने को मिल जाएगा। आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको दो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एक एज प्रूफ अपलोड करना है, एक आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। एज प्रूफ अपलोड करने के लिए आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं और आधार कार्ड भी चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं हाई स्कूल के मार्कशीट अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं SSLC सर्टिफिकेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इश्यू डेट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ। फिर आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेना है। फिर अपलोड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। आपका डॉक्यूमेंट JPG फाइल और PDF फाइल में होनी चाहिए, 500 KB सुपर होनी चाहिए और 1 MB से कम होनी चाहिए। चलिए मैं एड्रेस प्रूफ भी अपलोड कर लेता हूँ। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको इश्यू डेट यहाँ पे टाइप कर देना है, नहीं भी टाइप कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोनों डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुका है। फिर आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटो आपका ऑलरेडी अपलोड रहेगा, प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद फोटो आपका ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड है। फिर आपको ओनली सिग्नेचर अपलोड करना है। ब्राउजर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड एंड बी फाइल पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुल, यहाँ पे अपलोड आपको ऑप्शन देखने को मिल गया। फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए 2-व्हीलर और 4-व्हीलर के लिए आपको 350 रुपया पे करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे स्टेट बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा टाइप कर देना है। फिर पे नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको अपना नेट बैंकिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अपने पेमेंट को कम्प्लीट कर लेना है। चलिए मैं अपने पेमेंट को कम्प्लीट कर लेता हूँ। पेमेंट कम्प्लीट करने के बाद आपको एक पेमेंट स्लिप आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं या तो इसको पीडीएफ फाइल में सेव करके अपने पास रख सकते हैं। चलिए मैं इसको पीडीएफ फाइल में सेव कर लेता हूं। फिर आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आपको कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा टाइप कर देना है। कैप्चा टाइप करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉचिंग ऑफ रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल इन मैंडेटरी। क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी फिलअप आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP को यहाँ पे फिलअप कर लेना है। OTP को फिलअप करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो ऑन रोड सेफ्टी, आपको एक वीडियो देखना है। वीडियो देखते टाइम आपको न तो स्किप करना है न तो फॉरवर्ड करना है, वीडियो को कंटिन्यू आपको देखना है। तो आपको इस आइकन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक वीडियो प्ले हो जाएगी। इस वीडियो को कंटिन्यू आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है न तो आपको फॉरवर्ड करना है। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद एक मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, यू हैव सक्सेसफुल द ट्यूटोरियल वीडियो। फिर आपको यह टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। रिपोर्ट करना चाहे तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर LA टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना लर्निंग लाइसेंस का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे टाइप कर लेना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप कर लेना है। पासवर्ड जनरेट नहीं किए जाते हैं, ये आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। उसके बाद आप पासवर्ड डाल के अपने लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे ही, अपने फोन से या अपने लैपटॉप से। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपका लर्निंग लाइसेंस एक हफ्ते के अंदर इशू कर दिया जाता है। लर्नर लाइसेंस बनने के बाद आप एक महीने बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लर्नर लाइसेंस 6 महीने तक वैलिड होता है, इसके अंदर आप कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको RTO विजिट करना पड़ेगा। RTO विजिट करने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बाई पोस्ट आपके घर पे सेंड कर दिया जाता है। इस तरह दोस्तों आप घर बैठे ही लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्ट लेस सर्विस, नो नीड टू विजिट RTO ऑफिस, यानी कि आप घर बैठे ही लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।